बांका के बौसी में स्थित मंदारिल पर्वत पर चढ़ने के लिए बने नवनिर्मित रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा कर दिया गया, जिसके बाद सैलानों के लिए इसे खोल दिया गया। हम आपको बता दें, पर्यटन विभाग के द्वारा 80 रुपये का टिकट रखा गया है। रोपवे के नीचे वाले स्टेशन पे बने टिकट काउंटर से टिकट लेकर लोग रोपवे के जरिए सबसे पहले इंटरमीडिएट टर्मिनल पॉइंट पर पहुंचेंगे। वहां पर उतरकर पर्यटक धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सीताकुंड, भगवान नरसिंह गुफा मंदिर, गौशाला, योनि कुंड सहित अन्य धार्मिक स्थलों का दर्शन पूजन करेंगे और वहां से मनोरम वादियों का आनंद लेंगे। यहां के बाद उसी टिकट के जरिए अपर टर्मिनल पॉइंट पर पहुंचेंगे और जैन मंदिर के साथ काशी विश्वनाथ का भी दर्शन पूजन कर सकेंगे। पर्यटन विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि वैसे लोग जो पैदल के रास्ते पर्वत शिखर तक गए हों, वापसी में रोपवे के जरिए नीचे आना चाह रहे हों, वैसे सैलानी मात्र 40 रुपये खर्च कर रोपवे के जरिए नीचे आ सकते हैं। हालांकि आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर इसका किराया बढ़ाया भी जा सकता है। विभाग के द्वारा करीब 5000 मैनुअल टिकट अभी मंगाया गया है, जबकि आने वाले समय में कंप्यूटराइज्ड टिकट ही लोगों को मिलेगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। मालूम हो कि पैदल पर्वत पर चढ़ने से सैलानियों को करीब 1 घंटे का समय लगता था, वहीं अब 4 मिनट में सैलानी पर्वत के तराई से पर्वत शिखर तक पहुँच जाएंगे।